शहर के नंदनगर क्षेत्र में आवासीय परिसर में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने तथा फैसिलिटी की भूमि पर अवैध निर्माण करवाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नंदनगर के निवासियों ने व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने तथा अवैध अतिक्रमण को तोड़वाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया। एसडीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में नंदनगर के निवासियों ने बताया कि नंदनगर में ओम प्रकाश जोशी की एक अष्ट विनायक नाम से एक संपत्ति है जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ओम प्रकाश जोशी उक्त संपत्ति का उपयोग विगत लंबे समय से व्यावसायिक रूप से कर रहा है। आवासीय क्षेत्र में स्थित उक्त जायदाद पर आए दिन शादी समारोह आदि आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण आसपास के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन ने बताया गया कि संपत्ति के मालिकों ने उक्त जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाए बिना ही इसका निर्माण व्यावसायिक तौर पर करवाया रहा है, साथ ही अपनी जायदाद की हद से बाहर जाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने उक्त व्यावसायिक भवन के निर्माण से भविष्य में आवासीय लोगों को होने वाली परेशानी तथा इसी क्षेत्र में 2017 में घटित भीषण गैस सिलेंडर कांड का हवाला देते हुए शीघ्र ही निर्माण पर रोक लगाने तथा भविष्य में भी व्यावसायिक उपयोग नहीं करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रकाश कुमावत, महेंद्र बाबूलाल, हर्षिता जगदीश, सुरेश कुमार, विष्णु कुमार, रूपचंद, सुरेश कुमार, दीपक मोटवानी, महेंद्र कुमावत, संदीप खत्री, नवीन कुमावत तथा विनोद कुमावत सहित अन्य क्षेत्रवासी मोहल्ले में पूर्व में एक गैस कांड हुआ था, जिसके अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसके अंदर एक कारण 24 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात हमारे नंदनगर में अष्ट विनायक नाम से एक मैरिज हॉल चलता है, जो केवल मात्र गैर कानूनी रूप से चल रहा है, जो अभी तुड़वा के उसका नवीनीकरण करवा रहा है और नाजायज रूप से कब्जा कर रहा है। जो 4 फीट की फैसिलिटी की गली दी हुई है उसके ऊपर वह कब्जा करके अपना निर्माण कर रहा है, नाजायज रूप से बोलकोनी बाहर निकाल रहा है। हमने उसको कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना। इस हेतु हम आज सभी नंदनगर गली नंबर 3 और 2 के निवासी श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए और श्रीमान से निवेदन करते हैं कि तुरंत इसमें उचित कार्रवाई करें। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।